जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त इंडियन टाइगर हेजे मराठा। और आज मैं बात करना चाहता हूँ, एक्चुअली ये मेरे दिल की बात है। क्या प्यार सज्जन वीडियो बना रहे, लेकिन वो जो दर्द है उस इंसान को, जो तकलीफ हुई, उस तकलीफ से कोई गुजर नहीं सकता या फिर उसको कोई महसूस नहीं कर सकता। और ये इंसानियत कहाँ जा रही। मैं बात कर रहा हूँ बंगाल में जो घटना घटी, उस घटना के ऊपर, किस किस दरिंदगी से उस ट्रेनर डॉक्टर की हालत कर करके उसकी फिर मर्डर कर दी। और यार ये सच में, यार ये हम सबके लिए शर्म की बात है। उसके बाद और एक घटना घटी उत्तराखंड में। है मजदूरी का काम करता है, दिहाड़ी मजदूरी और लेबर का काम करता है, बेसिकली लकड़ी और बल्ली पंटी का काम करता है। उस समय बिलासपुर के इलाके में लगातार 4-5 दिन काम करता था। ये इस महिला को जानता भी नहीं है, ना पहचानता है, ना पहले से पूछा किया है, कुछ भी नहीं है, कोई जान पहचान नहीं। उस दिन शाम को वो नशा करके बैठा हुआ था रोड साइड वहां पर बिलासपुर में। जब महिला अपने आप जा रही थी तो काफी देर बाद ये भी पीछा करते चला गया। केवल वासना का शिकार होते हुए उसने ये देखा, अकेली रोड पर सुनसान जगह पर डिप्टी में महिला जा रही है, पीछा करता हुआ गया। उसका जो वासना की मतलब इसमें आकर और लूट करने के इरादे से उस महिला को घसीटते हुए झाड़ियों के पास ले गया। उसने बहुत प्रोटेस्ट किया, महिला ने इसको लात लात मुक्का सब कुछ मारा। तो तब जाके इसने उसका सर पटक के, उसका उसी का चुन्नी होता है, उसका स्कार्फ बोलते हैं ना, तो महिलाएं जो ऑफिस में काम करने के लिए यूज करते हैं, तो उसी का स्कार्फ से उसका गला घोटा, बर्बरता रूप से गला घोटा, उसको बलात्कार किया, इस प्रकार ब्रूटल रेप करके मर्डर को अंजाम दिया। तो इस वारदात को हमने इसका पूरा कड़ी से कड़ी मिलाते हुए विक्टिम पर, सॉरी अक्यूज पर ट्रेस आउट करने के बाद इस घटना का सफलतापूर्वक हमने अनावरण कर। वहां पर भी वैसे ही हालत हो गई। और यार ये हर जगह, भारत में हर जगह ये चीजें हो रही है, तो वहां पर प्रशासन क्यों नहीं जागता। और रही बात बंगाल की, यार बंगाल में तो यार क्या चल रहा है समझ में नहीं आ रहा है। वहां की भी सरकार है, जो गुनहगार है उन्हीं को पीछे, मतलब उनको सेव करने की एक तरह की कोशिश करते है, यही हमें दिखाई देता है। जैसे कि अभी संदेश खाल की जो घटना थी, molested, raped, and now she's trying to cover it up. हमारे जो दलित है, हमारे जो ऐसी कम्युनिटी का किसान है, सबका जमीन का लूट रहा है। संदेश खाली में क्या हुआ था, औरतों के साथ वही अत्याचार वगैरह सब हुआ था, आदिवासी औरतों के साथ जो अत्याचार होते थे, और वहाँ वहाँ का जो गुनेगार था उसे पूरी तरह से मतलब एक पैकिंग करने की कोशिश की गई थी। Shahjahan, in fact, was a large evidence, and two of his aides were arrested earlier in the month, but the state government was seen to be dragging its feet in this. आखिरकार उसे भी पकड़ ही लिया गया। और रही बात बाद में, अभी ये बंगाल की ट्रेनिंग डॉक्टर का, जहाँ पर ये ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ बर्बर था के, उसके बाद वहाँ का वो जो कातिल था वो आराम से पुलिस क्वार्टर्स में गया। एक्चुअली पुलिस क्वार्टर में, पुलिस वॉलंटियर था वो, पुलिस क्वार्टर में रहने के लिए उसे वहीं पर रहता था, पुलिस क्वार्टर्स में ही रहता था। वहां से आराम से गया, उसे किसी भी बात का कोई भी डर नहीं था, आराम से गया सब कुछ। उसने जो दाग धब्बे थे उनके वो सब धोए। हाँ, खाली एक वारदात, उस वारदात पर एक ब्लूटूथ मिला, ब्लूटूथ से पुलिस को बाद में उस कातिल का पता चला। लेकिन यार बात सोचने वाली बात ये है कि जब वहां पर कातिल को पकड़ लिया गया, और वहां पर जो प्रोटेस्ट करने वाले थे, जो सब डॉक्टर्स लोग प्रोटेस्ट करने वाले थे रात को, तो वहां पर बाद में तोड़फोड़ करने के लिए कुछ लोग आ गए। ये लोग करना क्या चाहते थे, इससे तो ये बात पूरी साबित हो जाती है कि वो लोग वहां पर जान बूझ के आए थे। उन्होंने वहां पर तोड़फोड़ की, और जो उनका सेमिनार हॉल था जहां पर ये वारदात घटी थी, उस डॉक्टर के साथ तोड़फोड़ हुई थी, वो सेमिनार हॉल में भी तोड़फोड़ की। बाहर एकदम से बहुत सारा मॉब इकट्ठा हो गया और पुलिस उनको रोक नहीं पाई, और वो पूरा मॉब अंदर घुस गया। हम लोग अपनी जान बचा के भागे हैं, उन लोगों ने किसी को देखा नहीं। जो जो भी वीडियोस आ रहे हैं या जो जो भी बातें सुनने में आ रही है, जो उनके सामने आ रहा था उनको मार रहे थे। हम पेशेंट पेशेंट पार्टी सबको उन्होंने मारना स्टार्ट कर दिया। डॉक्टर्स को भी बहुत ज्यादा चोट लगी है, कोई इधर सब लोग अलग अलग जगह छुपे हुए। एक्चुअली क्या हो गया था, रिनोवेशन का काम भी स्टार्ट कर दिया था, मतलब सभी लोगों को मिटाने की पूरी कोशिश कर रही है। एक्चुअली यार सबूत मिटाने की कोशिश की, वहां पर मॉब गया, वहां मॉब ने वहां पर तोड़फोड़ की। यार इस ये सारी बातों से तो यही पता चलता है कि ये जो बर्बरता हुई घटना, उस घटना में एक से ज्यादा लोग शामिल है, और उन लोगों को
उन लोगों का पॉलिटिकल कनेक्शन भी हो सकता है, हम लोग तो अभी तो यही कह सकते हैं। और यार सच में यार मतलब तो कैसे लोग हैं इन लोगों के, अगर घर में ऐसी बात होगी ऐसा कोई के ऐसा ना हो लेकिन ऐसा होगा तो क्या ये लोग वैसे ही करेंगे, रिएक्ट ऐसे ही करेंगे, छुपाने की कोशिश करेंगे? सच में यार मतलब हम सबके लिए शर्म की बात है, पुलिस के लिए शर्म की बात है। सबसे पहले तो जब ये घटना घटी वहां के आरजी मेडिकल कॉलेज है वहां से, या ये बेचारे लड़की के माता पिता को पता भी तो नहीं कि आपकी बेटी ने आत्महत्या की। सबसे पहले तो उसके उसे बताया गया कि उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है, उसके बाद में बताया गया कि वहां पर आत्महत्या, तो आपकी लड़की ने आत्महत्या की। और जब घर वाले वहां पर गए तो घर वालों को 3 घंटे तक उन लोगों को वो डॉक्टर के घर वालों को रोक के रखा, अपनी बेटी का अंतिम दर्शन भी करने नहीं दिया। और जब वो 3 घंटे के बाद जब उनको वो बॉडी दिखाई गई पूरी तरह से खून से लथपथ थी, और यार क्या बोले यार मतलब बताते वक्त मुझे बहुत बेकार लगा है। पैर पूरे 90 डिग्री तोड़ दिए इतनी मतलब क्या भी, तो यार कैसे वैसे लोग, और ये काम एक आदमी का नहीं हो सकता। और बाद में एक न्यूज निकल के आई कि यार इसमें एक नहीं एक से ज्यादा लोग हैं और एक लड़की भी शामिल। तो सच में यार ये प्रार्थना करता हूँ कि कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए, और तो मैं चाहता हूँ कि उस डॉक्टर के परिवार वालों को न्याय मिले। मिलते हैं दोस्तों।